मंगोलपुरी के रहने वाले रिंकू शर्मा की आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जो दोपहर में होने वाली है और जिसमें कई राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल होने वाले हैं। इतना ही नहीं, मृत के परिवार से मिलने के लिए भी कुछ बड़े नेता यहां आने वाले हैं। इसी वजह से आज यहां पर सिक्योरिटी और भी ज़्यादा कड़ी कर दी गई है। आप सामने देख सकते हैं कि गली में जो है डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाया गया है, साथ ही अभी से जो है ड्रोन यहां पर उड़ाया जा रहा है और निगरानी रखी जा रही है ड्रोन के माध्यम से कि कहीं छतों पर या अन्य जगहों पर कोई शरारती तत्व किसी शरारत की अंजाम देने की मंशा से सक्रिय तो नहीं है। और इतना ही नहीं, आप यहां देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहां तैनात है। मैं इस तरफ दिखाऊंगा जहां पर रिंकू का घर है, अगर हम उस तरफ बढ़ेंगे तो आप देखिए कि कल के मुकाबले आज गली में जो आम लोग हैं वो कम नज़र आ रहे हैं, पुलिस वाले या सुरक्षा बल के जवान ज़्यादा आपको दिखाई देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आज ये माना जा रहा है कि कई बड़े नेता यहाँ पर आ सकते हैं रिंकू के परिवार वालों से मिलने के लिए। इतना ही नहीं, दोपहर 2 बजे जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है उसको देखते हुए भी पूरे के ब्लॉक में, मंगोलपुरी के ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पुलिस को ऐसी आशंका है कि कहीं उस भीड़ में कोई शरारती तत्व फायदा उठाते हुए इस पूरे माहौल को बिगाड़ने का काम ना करे। यही वजह है कि पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा टाइट सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। दिल्ली पुलिस की जो सिक्योरिटी यूनिट है, जो VIP और VVIP की सिक्योरिटी में चलती है, उनके भी कुछ जो जवान हैं उनको यहाँ पर भेज दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई VIP यहाँ पर आता है तो दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के सभी इंतजाम यहाँ पर मौजूद रहने चाहिए। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अभिषेक रावत, ABP न्यूज़ दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।